ये दिनांक 9/6/2022 को सुरेंद्र कुमार गोयल कपड़ा व्यापारी बरवाड़ा को फोन पर धमकी दी गई थी कि मैं तिहाड़ जेल से नीरज बुआना बोल रहा हूँ, आप 10 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो आपको और आपके परिवार को हम जान से मार देंगे। जिस पर FIR नंबर 633 डेट 20/6/2022 IPC के तहत थाना प्रारंभ दर्ज की गई थी। उसके बाद दोबारा दिनांक 24/7/2022 को आरोपियों द्वारा सुरेंद्र कुमार गोयल को दोबारा से धमकी दी गई कि आपने पैसे का इंतजाम नहीं किया, आप और अपने आपके परिवार के किसी भी टाइम गोलियां बरसा सकते हैं, या पैसे का इंतजाम करके जल्दी ही जल्दी हमारे पास भिजवाओ। और उसके साथ साथ एक और व्यापारी सुपिंदर, जो रेडीमेड गारमेंट्स और गिफ्ट गैलरी का काम करता है, के पास भी आरोपियों द्वारा धमकी दी गई थी कि आप भी 10 लाख रुपये का इंतजाम करो, हम नीरज बुआना और उसके गैंग से बोल रहे हैं और जो बताई गई जगह पर इंतजाम होने पर पैसे भिजवाने हैं। जिस पर FIR नंबर 739 384/IPC के तहत दर्ज की गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पर काम करते हुए थाना बरवाड़ा पुलिस व हमारी साइबर टीम ने इसकी इंक्वायरी की और तफ्तीश के दौरान दो आरोपी जो बरवाड़ा के ही रहने वाले हैं, नसीब और आनंद को बरवाड़ा पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है। आनंद जो पहले सुपिंदर के पास भी काम कर चुका है और अब मोंटी रेडीमेड गारमेंट्स के पास भी सेल्समैन का काम करता था कर रहा है, और नसीब भी बरवाड़ा में ही एक एल्युमिनियम की दुकान पर जो दरवाजे वगैरह लगाने का काम करते हैं, वह अशोक सैनी है, उनके पास काम कर रहा है। इन तीन दोनों को इस केस में आज काबू करके जनता से पूछताछ की गई, जिनसे पूछताछ पर सामने आया है कि आरोपियों द्वारा नीरज बुआना गैंग के संबंध में काफ़ी वीडियो पहले देखे गए थे और समय समय पर देखते रहते थे, जिस पर इनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम भी इसके बारे में प्रति लोगों से मांगे और पैसे लिए, खर्चे के लिए पैसे लिए जाएं। इसके तहत उन्होंने मोबाइल पर एक फर्जी ऐप कॉल ग्लोबल डाउनलोड किया, जिसमें 11 डिजिट का नंबर आता है जो विदेशों से ही ऑपरेट होता है। उसके तहत इन्होंने वर्चुअल नंबर डाउनलोड करके मोबाइल में ये धमकियाँ दी थी, जो इनको गिरफ्तार किया जा चुका है और इनसे अभी पूछताछ जारी है और मोबाइल है उसकी भी रिकवरी की जानी है। तो इनका कोई बैकग्राउंड भी, क्राइम बैकग्राउंड कोई रहा है सर, पहले केस दर्ज है कोई? नहीं, इनका पहले कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहा है। आनंद ने बताया है कि उसकी बहन की, उन्होंने पिछले वर्ष अपनी बहन की शादी की थी, जिसमें 6 लाख रुपये का उन पर कर्ज हो गया था, उसको उतारने के लिए इसने ये धमकियाँ दी हैं कि ये प्रोति के पैसे आ जाएंगे तो अगर कोई और भी खर्चा उनके पास हो जाएगा और उसका कर्ज भी उतर जाएगा। दोनों मामले में ये थे? हाँ, दोनों जो मामले हैं इन दोनों के द्वारा ही मिलकर ये काम किया गया। दोनों जो परिजन मांगी है इन्होंने, वो दोनों बरवाड़ा के रहने वाले हैं? हाँ, दोनों बरवाड़ा के रहने वाले हैं। जो सुरेंद्र गोयल है, आनंद उसकी जो दुकान है उसके पास में ही एक मोंटी गारमेंट्स की दुकान है, उस पर ये काम सेल्समैन का काम करता रहता था और उसके पास भी आता जाता रहता, और उसके मकान जो रिहायशी मकान है उसके पिछले वाली गली में ही उसके पड़ोस में रहने का रहने वाला है। सर, वहाँ का एक मामला और था जैसे 25 लाख की वो चोरी को लेकर, उस कोई आपके उसमें है वो मामला? उसमें भी हमारी जो AVT स्टाफ की जो टीम है वो लगी हुई है। अभी तक कोई उसमें रिकवरी वगैरह कुछ नहीं है ना? अभी तक उसमें कोई रिकवरी नहीं हुई है। पहले भी कोई मामले दर्ज है उनके ऊपर? नहीं, दोनों में पहले कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ है। सर, इसमें दोनों बालिक हैं ना बालिक हैं? दोनों बालिक हैं, 21-21 वर्ष इनकी एज उम्र है। इसमें नसीब 8th पास है और आनंद 9th पास है। ना, ये शराब पीने की आती हैं और इसके अलावा और कोई नशा नहीं करते, शराब पीते हुए ही इनकी योजना बनी थी।
यही है या और भी है कोई इसमें शामिल? ना, अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें दो ही शामिल पाए गए हैं और इनसे वो पुलिस रिमांड पर लिया जाकर और गहनता से पूछताछ की जाएगी। कितने दिन तक रखा जाएगा सर पुलिस रिमांड पर? अभी कोर्ट से इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड के लिए लिखा जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी।